Hello and welcome to another vlog of What's Up, Raveena. Today we are making a very authentic dish जिसका नाम है भरवा करेला. ये इंडिया की इतनी फेमस रेसिपी है और ये बचपन में मुझे नहीं पता था कि करेला इतना डिलिशियस बन सकता है. बट व्हेन आई मेट माय हस्बैंड और उनकी मम्मा ने यानी मेरी सासू माँ ने जब ये मुझे खिलाया तो मैं तो उंगलियां चाटती रह गई और मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर दिस डिश विद यू गाइस. वीडियो बनाने से पहले मैंने करेलों को अच्छे से धो के बहुत सारा नमक लगा के 30 मिनट्स के लिए रख दिया था. एंड नाउ आई एम जस्ट वॉशिंग दैट सॉल्ट ऑफ. इससे क्या होगा ना, करेले कड़वे नहीं बनेंगे. Make sure to squeeze every drop of water and there we have it. करेलास बिल्कुल रेडी हैं टू बी कुकड. एंड यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. 3-4 हरी मिर्चें ली हैं बिकॉज आई लाइक इट हॉट और 3-4 गार्लिक क्लॉव्स भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं. दिस इज़ इट फॉर प्रेपरेशन. कुछ ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं चाहिए होते हैं करेला भरवा करेला बनाने के लिए. जल्दी से हम भरवा करेला बनाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टेक अ पैन एंड ऐड ऑयल इन इट. इसमें थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा ऑयल मैंने डाला है. यूजुअली आई डोंट पुट लॉट ऑफ ऑयल. तो सबसे पहले तेल गर्म होने पे हम डाल देंगे क्यूमिन सीड्स या फिर जीरा. मुझे याद नहीं आता कि कोई भी इंडियन डिश जो हम बनाते हुए तेल में जीरा ना डालें. इट्स लाइक आर पेटेंट इन्ग्रीडियंट. उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि सौंफ. ये एक तरह से कह सकते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट है भरवा करेला बनाने के लिए. इफ़ यू मिस ऑन दिस यू विल नॉट गेट दैट ऑथेंटिक टेस्ट वी आर आफ्टर. और ये मेरी प्यारी सी मदर इन लॉ की रेसिपी है. तो थैंक यू मॉम फॉर टीचिंग मी दिस रेसिपी. अब इस गरम तेल में जाएंगे ये कटे हुए प्याज जो मैंने बहुत फाइनली चॉप किए थे फॉर दिस रेसिपी. इसको अब हम तेल में डाल देंगे टिल दे टर्न गोल्डन ब्राउन. मेक श्योर यू ऐड ऑल द अनियंस यू हैव चॉप्ड एंड डोंट लीव बिहाइंड एनी रिमेन्स. और यहाँ पे हम अनियंस को देंगे एक गुड मिक्स. प्याज को ना अच्छे से आपने फ्राई करना है. कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इस स्टेप में. जो गार्लिक भी मैंने रखे थे उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है. बट बिल्कुल पेशेंटली यू हैव टू वेट फॉर यू नो योर अनियंस टू फ्राई. मसाले डालने में कोई जल्दी नहीं करनी है हमें. हम आराम से अनियन को बढ़िया सॉटे करते रहेंगे लाइक दिस. अभी भी टाइम है यार. और इसको ढक के नहीं पकाना है, ओपन में आपको इसको रोस्ट करना है, ब्राउन होने देना है. अब अनियन थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं. इस स्टेज पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी. आई एम एडिंग रेड चिली पाउडर. एड इट एज पर योर टेस्ट. आई लाइक इट बिट मोर स्पाइसी तो मैं थोड़ा अच्छे से डाल रही हूँ. एंड देन वी एड धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर. इसको मैंने 2 टेबल स्पून्स डाला है. वी नीड लॉट ऑफ धनिया इन दिस रेसिपी. फिर मैंने 1 स्पून गरम मसाला डाला है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्ट एज पर योर टेस्ट. अब इस डिश में जाता है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बिना ये डिश इनकम्प्लीट है, अधूरी है. उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट का नाम है आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर. उसको हमने 1 to 1.5 टेबल स्पून डालना है. एंड इफ़ यू मिस दिस स्टेप तो आपको वो ऑथेंटिक वाला टेस्ट फिर नहीं मिलेगा. फिर मत बोलना कि रवीना आपने वैसा टेस्ट नहीं दिया. अब स्पाइसेस डाल के गिव इट अ वेरी गुड मिक्स, वेरी गुड स्टिर एंड लेट इट कुक फॉर अनदर 2-4 मिनट्स टिल यू फील द अनियंस आर रोस्टेड इनफ. सी हाउ ब्यूटिफुली दे हैव कम अप. कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. एट दिस स्टेज यू कैन टर्न ऑफ द गैस एंड लेट इट कूल फॉर सम टाइम. These onions, once cooked, they are so flavorful and so delicious and now ready. Onions हमारे ठीक ठाक ठंडे हो गए हैं और अब हम इन्हें करेलों में भर लेंगे. Hence the name भरवा करेला, क्योंकि हम इसमें onions को करेलों के अंदर fill करेंगे. And stuffing के लिए बहुत generous होना ज़रूरी है. भर के stuffing करनी है क्योंकि हमें पूरा flavor चाहिए करेले के अंदर. कुछ
कुछ लोग छिलके भी डालते हैं ये अनियन की फिलिंग बनाते हुए, बट मैं वो नहीं डालती हूँ। और मैंने करेलों के बीज वीज सब उसको एम्प्टी कर दिया और मस्त मैं फिलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यारे से लग रहे हैं यार। ये नेचर की इतनी प्यारी चीज़ है ना, इतनी बिटर होती है लेकिन जब ये रेसिपी बन जाती है आ हा हा। इसी के साथ करेलों को फ्राई करने का टाइम आ गया है, जो कि इस डिश का लास्ट स्टेप है, जिसके बाद आप इस बेहतरीन अमेजिंग ट्रेमेंडसली डिलिशियस डिश को इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैंने पहला करेला रख दिया है फ्राई करने के लिए। बड़े प्यार से, यू नो, जेंटली आई विल पुट ऑल माई करेलाज इन द पैन बिकॉज द स्टफिंग आई हैव डन। मैं ये नहीं चाहती कि ये स्टफिंग सारी बाहर आ जाए। बहुत जेंटली यू हैव टू प्लेस ऑल द करेलाज। एंड इस टाइम पे मैंने गैस को मीडियम रखा है, नॉट वेरी हाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि करेले एकदम से जल जाए। आई वॉन्ट देम टू बी कुक्ड फ्रॉम इनसाइड। पूरा करेला पकना चाहिए। अगर आप हाई कर दोगे तो ऊपर वाली लेयर तो पूरी पक जाएगी, जैसे जल जाएगी, और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। बीच बीच में आप एक टोंग की हेल्प से उसे ट्विस्ट एंड टर्न करते रहना, ताकि पता चलता रहे कि एक साइड ओवर कुक ना हो जाए एंड ऑल द साइड्स आर कुक्ड इक्वली। और ये जिद्दी करेला टर्न होके ही नहीं दे रहा यार। अब जब करेले हल्के हल्के रोस्ट होने लग गए हैं, हल्के हल्का सा आपको ब्राउन स्किन दिखने लगी है, एट दिस पॉइंट आप गैस को बिल्कुल सिमर करके, लाइक मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ तो 9 से मैं सीधा 5 या 4 पे आ गई, एंड आई कवर्ड द बिटल गॉड्स। मैंने करेलों को अच्छे से कवर कर दिया है ताकि वो 100% कुक हो जाएं। एंड ऐसा नहीं है कि कवर करके आप भूल जाओ, कहीं और लग जाओ। यू हैव टू कीप चेकिंग बिकॉज बड़ी डेलिकेट स्टेज पे हैं ये। अगर आपने एक पोजिशन में करेलों को ज़्यादा देर रखा तो वो जल जाएंगे। करेले काफ़ी हद तक पक गए हैं, मतलब मैं इसे 2-3 मिनट और कवर करूँगी तो दे विल बी डन। और मुझे दिख रहे हैं वो कि कितने स्वाद हैं। एंड देयर यू हैव इट। टुडे आई एम सर्विंग करेलाज विद मिक्स दाल एंड चपाती, और ये इतने फ्लेवरफुल और सॉफ्ट और यमी बने हैं कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर? गो कुक करेला, भरवा करेला फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।